हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल का आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई सतगुरुदेव की सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले सबसे पहले। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर देव ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने गलती की थी। उस गलती के कारण हम ऐसे स्थान पर आ गए, यहाँ से वापस जाना हमारे बस से बाहर की बात है। यहाँ से बाहर समर्थ ही निकाल सकते हैं, समर्थ केवल परमात्मा ही है। परमेश्वर कबीर देव हैं, ये समर्थ है, बाकी सभी जीव संज्ञा में। स्थान पर आ गए उस समर्थ के सहारे ही हम वापस जा सकते हैं। उस समर्थ ने आकर के हमें यहां से वापस जाने की विधि बताने की चेष्टा की, लेकिन हम बालकपन में अनजानपने में और काल के संतों पंथों महंतों द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम उसकी उंगली नहीं पकड़ते, हम काल के जाल में रह जाते हैं। वो परमात्मा यहाँ चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं तो महंतों द्वारा वर्णित हो जाने के और उन लीलाओं की जानकारी जो भगवान किया करता है हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं और अन्य जो ग्रंथ बने हैं जैसे पवित्र 18 पुराण, ये अनुभव है उन ऋषि महर्षियों का जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं। और जैसे संतों की वाणी है जिनमें कौन कौन से संत हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है और उनके विषय में दास को जानकारी है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुनानी जिला जद्दर हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश भारत वाले, इन महापुरुषों के जो अमृत वचन हैं ये परमात्मा प्राप्त हंस हैं, परम हंस हैं। इनके जो वचन हैं और जो वेदों के कथन हैं और जो श्रीमद् भगवद गीता का जो वर्णन है, इन सब का एक मेल है। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता पवित्र चारों वेदों का ही सारांश है और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, ये इन कुछ अंश इनका गीता वेदों और महापुरुषों की वाणी से मिलता है, शेष नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि जैसे पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ का जहां तक 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जहां तक वो ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य है, वेदों और गीता और उनसे मिलता है महापुरुषों की वाणी से। उसके बाद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो अपने निज स्थान पर विराजमान हुए, उसके बाद यहाँ की बागडोर काल ने संभाल ली ब्रह्म ने। आगे का शेष वर्णन वही पुराणों के सत्र का है पवित्र बाइबल में। ऐसे ही कुरान शरीफ में कुछ आयतों के कुछ अंश
पवित्र वेदों से, पवित्र महापुरुषों की वाणी से मिलते हैं और शेष वही पुराणों सतर का उसमें ज्ञान है। तो ये सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, लेकिन परमात्मा पाने की विधि जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा ही वो देते हैं, ऐसा ही करते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। सतयुग में परमात्मा आए थे सत्सुकृत नाम से, और ऐसे जो प्रत्येक युग में वो लीला किया करते हैं, ऐसी लीला की थी। सतलोक से चलकर आए, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, वहां से एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गई। परमात्मा ने आहार नहीं किया, कुंवारी गाय का दूध परमात्मा की कृपा से ही गाय ने दूध दिया, बछिया ने वो दूध पान किया। तो प्रत्येक युग में परमेश्वर कबीर जी ऐसी ही लीला करते हैं, और वो सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से इस परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव जी को नारायण भी कहा जाता है। उस पूर्ण परमात्मा की उपमा के आधार से यहाँ के अन्य भगवानों को भी नारायण कहने लगे, जैसे भगवान विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से कहते हैं ये नारायण कहलाते हैं। पुण्यात्माओं, गृह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है, और गृह मंत्री एक प्रांत सरकार का भी होता है, इसमें दिन रात का अंतर होता है, ऐसे ही इसको समझ लेना। अपने आत्माओं, परमात्मा चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो अपने ओरिजिनल नाम से, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, ये कबीर नाम इतना पवित्र है, इसको स्वाभाविक भी अगर आपकी जुबान से उच्चारण हो जाए तो भी पुण्य आता है, ये इतना पवित्र नाम है। और कुरान शरीफ में तो यहाँ तक लिखा है कि ये एक कलमा है उनका, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। कहते हैं ये मंत्र जो है, कलमा माने मंत्र, ये ऐसा मंत्र है आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है। अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को जो ज्ञान हुआ, हजरत मोहम्मद जी को, वो अधूरा ज्ञान था। अधूरे का मतलब है जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 तक कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने द्वारा भेजे गए उस पैगंबर नबी को, यानी हजरत मोहम्मद जी को संदेश दिया है। आयत नंबर 52 में कहा है कि मैं जिस कबीर अल्लाह के विषय में तुझे बताने जा रहा हूं, तू मेरी हिदायत पर विश्वास करना। और ये काफिर इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित हैं, इनके साथ तू संघर्ष करना। संघर्ष का जिहाद का अर्थ कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, लठ बजाना नहीं, जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना, इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर दृढ़ रहना। इतनी सी बात है। तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये सुप्रीम पावर है,
और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तखत पर जा विराजा, और ये वही परमात्मा है जिसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर मीठा खारा जल भर दिया, और ये वही कबीर परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश कर देता है, और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तखत पर जा विराजा।